हाँ, मैं आनंद प्रकाश, ECL से फाली ITI के इंस्ट्रक्टर। मैं आप सभी को आज ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोग पहले ही बताए हैं कि ट्रांसफार्मर में अनेक पार्ट्स होते हैं, उन सभी का जानकारी आपको पूर्ण रूप से दिया हूँ। और साथ ही साथ आपको जानकारी में है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग दो तरह का वाइंडिंग करते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, और साथ ही साथ उसमें कोर का भी प्रयोग करते हैं। तो कोर का जो क्षति होता है, जिसको आयरन लॉस कहते हैं, तो उसको हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से ज्ञात करते हैं। और एक दूसरा जो टेस्ट है वो कॉपर लॉस जो कि ज्ञात करते हैं, तो वो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से। तो कैसे ज्ञात करते हैं उसे बोर्ड पर उस सर्किट ड्रॉ करके आपको बताते हैं, और उसके माध्यम से आप देख पाएंगे। तो जैसे कि पहले हम लोग एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में एक वाट मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ ये आपका वाट मीटर का भाग हो गया, जिसमें जिसको CC और PC बोलते हैं। और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर प्रयोग कर देते हैं और एक एमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सभी AC में ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग AC में ही ट्रांसफार्मर का जो है कि उपयोग कर सकते हैं। DC में ट्रांसफार्मर हम लोग जो है नहीं प्रचालित कर सकते, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं। तो ये देख रहे हैं आप कि एक ट्रांसफार्मर का सर्किट है, इधर से हम लोग AC सप्लाई प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किट हो गया, जिसमें से देख रहे हैं कि वाट मीटर एक लगाए हैं, और वाट मीटर में जो रीडिंग प्राप्त होगा उसी के आधार पर हमारा सो टेस्ट का रीडिंग होगा, और कितना मेरा आयरन लॉस हो रहा है वो पता चलेगा, जो कि हम लोग ओपन सर्किट जो सेकेंडरी साइड ओपन रख रहे हैं, इसीलिए इसको ओपन सर्किट भी बोलते हैं। और मेनली जब ओपन रख रहे हैं तो मेरा इधर धारा चलेगा नहीं, सिर्फ कोर में जो क्षति होगा वो ही प्राप्त करना है, इसीलिए इसके माध्यम से हम लोग जो वाट मीटर का रीडिंग प्राप्त होगा, या दूसरे तरह से हम लोग वोल्ट मीटर और एमीटर का गुणनफल को भी प्राप्त करेंगे, तो वाट मीटर के ही बराबर प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए। एक कॉपर लॉस है, तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए सेम इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वो चेंजिंग क्या होगा सो आप लोगों को दिखाते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है ना, इसमें हम लोग वेरियक के माध्यम से सप्लाई देंगे। ठीक है, यहाँ जो है वेरियक के माध्यम से इसमें सप्लाई है। यहाँ वाट मीटर लगा दीजिए। ये वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर को तो हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं, पता ही है। इधर जो है कि
इसमें देखिए शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ एक एमीटर सेकेंडरी साइड में जोड़ देंगे और इसी के माध्यम से शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि हम लोग कॉपर क्षति का मान ज्ञात करते हैं। देख रहे हैं दोनों में वाट मीटर लगा हुआ है, दोनों में वाट मीटर के माध्यम में जो रीडिंग आया उसी से आयरन लॉस और जो है कॉपर लॉस का क्षति है। ये क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि भाई कोई भी ट्रांसफार्मर जो है, जो बोला जाता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, किसी प्रकार का क्षति नहीं है, तो ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। सभी ट्रांसफार्मर में कुछ ना कुछ हानियाँ होते ही हैं, तो हम लोग कोर का हानि को ज्ञात करते हैं और वाइंडिंग का हानि को ज्ञात, तो बहुत कम है। और भी जैसे जितने मशीनें हैं उसके तुलना में ये स्टैटिक डिवाइस होने के कारण इसका इफिशियंसी ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो और विस्तार से समझने के लिए हम लोग अगले वीडियो में इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं। थैंक यू।